दोस्तों, आज हम बनाएंगे स्टेनलेस स्टील, डुप्लेक्स स्टील, ट्रिप्लेक्स स्टील, कार्बन स्टील और ऑल टाइप ऑफ स्टील ग्रेड। ऑल टाइप ऑफ स्टील ग्रेड मतलब ये जो इतना फर्नेस दिया गया है इतने में ही ऑल टाइप, मतलब जितना भी हमारा स्टील का ग्रेड रहता है वो ऑल टाइप ग्रेड हम यहाँ पे स्टील का बना सकते हैं या प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी देख लेते हैं कि जो पुराने दिनों थे उसमें यहाँ पे स्टील कैसे बनाए जाते थे, यानी कि स्टील का जो सीक्वेंस है, किस प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस जाने वाला है, ये सब सीक्वेंस था पुराने समय में कैसा था और अभी कैसा है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, पुराने समय में जो ये स्टील बनाया जाता है वो स्टील था पहले इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस था। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से हम लोग जो स्क्रैप रहता है उसको चार्जिंग कर देंगे, उसमें इलेक्ट्रिक आर्क हाई वोल्टेज में इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करके उसको हम लोग क्या करेंगे, स्लैग बाहर निकाल देंगे और उसमें का जो स्टील रहेगा, यानी कि जो हमारा स्लैग निकालने के बाद प्योर स्टील रहेगा, उसको हम लोग कहाँ भेजेंगे, डीगैसिंग में। डीगैसिंग में क्या करेंगे, जो यहाँ से जो डीगैसिंग है वहाँ पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रिमूवल करेंगे, यानी कि हम लोग इसको रिमूव कर देंगे गैस के फॉर्म में। ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आता कहाँ से, जहाँ से हम लोग इन्वायरमेंट में अगर प्रोसेस करेंगे तो वहाँ से नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा परसेंट में रहता है, तो वहाँ से नाइट्रोजन आ जाता है और हाइड्रोजन हमारा जो उसमें जो मॉइस्चर रहता है वहाँ से आता है हाइड्रोजन। तो दोस्तों, ये दो जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, जो ये है डीगैसिंग प्रोसेस, यहाँ से निकल जाता है। और तीसरा है जो ये है स्टेनलेस स्टील बनाने का VOD प्रोसेस। ये VOD प्रोसेस में हम लोग एक वैक्यूम चैम्बर बनाएंगे और उस चैम्बर के अंदर एक लैडर रखेंगे। लैडर के ऊपर में हम लोग ऑक्सीजन का ब्लोइंग कराएंगे और नीचे से हम लोग आर्गन का ब्लोइंग कराएंगे। जो आर्गन रहेगा वो नीचे से ब्लोइंग कराएंगे और ऊपर से ऑक्सीजन। जो वैक्यूम चैम्बर रहेगा यानी कि यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, ना तो अंदर की ओर होगा ना तो बाहर की ओर होगा, और हीट भी बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने वी ओ डी प्रोसेस में होता ये है कि उसमें जो कार्बन परसेंटेज है वो कम हो जाता है। इसका नाम ही इसीलिए रखा गया है वैक्यूम ऑक्सीजन डीकार्बोराइजेशन। जो VOD का फुल फॉर्म है वैक्यूम ऑक्सीजन डीकार्बोराइजेशन, इसको लिख लीजिएगा और अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद जो VOD से हम लोग रिफाइनिंग करते हैं उसमें अभी एलॉय एडिशन बाकी है, तो उस एलॉय एडिशन को कहाँ पे करते हैं, लैडल फर्नेस में हम लोग हीट जो मोल्टेन मेटल है उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, क्योंकि उसके बाद हमको कास्टिंग करना है। तो लैडल फर्नेस में हम लोग टेम्परेचर मेंटेन करेंगे और वहाँ पे अलॉय का एडिशन करेंगे। तो अलॉय का एडिशन यहाँ पे होगा, हमें जब स्टेनलेस स्टील बनाना है तो उसमें क्रोमियम 80% और निकेल क्या कितना पड़ना रखेगा, 8% निकेल रखना पड़ेगा, जिससे कि हमारा स्टेनलेस स्टील रेडी हो जाएगा। तो ये ओल्ड मेथड था। उसके बाद जो यहाँ से मेटल रेडी होगा वो बनेगा हमारा स्टेनलेस स्टील। इसको कास्टिंग के लिए हम लोग कंटिन्यूस कास्टिंग में भेज देते हैं या तो इंगोट कास्टिंग में भेज देते हैं कास्टिंग करने के लिए। उसी प्रकार दोस्तों, अभी जो नया चालू हुआ है, जो मॉडर्न ज़माने हैं, जो मॉडर्न चीज़ें आए हैं, तो उसमें एक परिवर्तन किया गया है। इस परिवर्तन को देखते हैं कि कैसे किया गया है। तो दोस्तों, हम लोग ये मॉडर्न तरीके से, ये जो नए तरीके से हम लोग क्या क्या कौन कौन से स्टील बना सकते हैं, डुप्लेक्स स्टील बना सकते हैं और ये बोलते हैं ट्रिप्लेक्स स्टील बना सकते हैं और कार्बन स्टील भी बना सकते हैं और ऑल टाइप ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील्स, मतलब स्टील के ग्रेड के सभी प्रकार के स्टील बना सकते हैं। तो हमने सबसे अच्छा रहेगा कि जो नए हमारी टेक्नोलॉजी है प्रोडक्शन रूट का, उसे हमें फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं डुप्लेक्स मतलब स्टेनलेस स्टील डुप्लेक्स प्रोसेस में कैसे बनाएंगे। डुप्लेक्स प्रोसेस में जैसा कि ये जो रेड वाला जो लाइन गया है उसको देखना पड़ेगा, और ट्रिप्लेक्स के लिए भूरा वाला लाइन देखना पड़ेगा, और कार्बन स्टील के लिए हमें ब्लू वाला लाइन देखना पड़ेगा। और ऑल टाइप ऑफ ग्रेड मतलब जो हम लोग को इस ग्रेड स्टेनलेस स्टील के अलावा कोई दूसरा ग्रेड बनाना है तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा ऑरेंज वाला।
तो दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं डुप्लेक्स स्टील का। डुप्लेक्स स्टील में सबसे पहले इलेक्ट्रिक आर्क में मोल्टन मेटल रेडी करेंगे, उसके बाद वहाँ उसको लेके जाएंगे डीगैसिंग प्रोसेस में। डीगैसिंग होने के बाद उसको वीओडी करेंगे, एओडी करेंगे, आर्गन ऑक्सीजन डीकार्बोनाइजेशन करेंगे। आर्गन ऑक्सीजन डीकार्बोनाइजेशन से क्या होगा, वहाँ पे जो कार्बन परसेंटेज है वो रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद उसको डी स्लैगिंग करेंगे, यानी कि वहाँ पे जो स्लैग बना रहेगा उसको हम लोग यहाँ लेके जाएंगे, नीचे निकाल देंगे और मोल्टन मेटल को यूज़ करेंगे। उसके बाद उसे लैडल फर्नेस पे लेके जाएंगे, लैडल फर्नेस में अलॉय एडिशन करेंगे। अलॉय एडिशन करने के बाद टेम्परेचर मेंटेन करेंगे और उसको भेज देंगे कास्टिंग के लिए। तो ये रहा हमारा डुप्लेक्स प्रोडक्शन का रूटीन। उसी प्रकार दोस्तों अभी देखते हैं कि ट्रिप्लेक्स प्रोसेस जो है वो सबसे महंगा प्रोसेस होता है मतलब स्टील प्रोडक्शन का, स्टेनलेस स्टील प्रोडक्शन का। लेकिन ये भी एडवांटेज है कि उसमें सबसे अच्छा स्टेनलेस स्टील हमें मिलेगा, क्योंकि उसमें हम लोग वीओडी एक्स्ट्रा यूज़ करने वाले हैं। अभी देखते हैं कि इसका रूटीन क्या है जो ट्रिप्लेक्स स्टेनलेस स्टील का है। ट्रिप्लेक्स स्टेनलेस स्टील जो है सबसे पहले हम लोग ईएएफ मतलब इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में हम लोग मोल्टन मेटल रेडी करेंगे। मोल्टन मेटल रेडी करने के बाद उसको एक बार डी स्लैगिंग करेंगे, उसमें स्लैग बाहर निकाल देंगे। उसके बाद उसको डालेंगे एओडी यानी आर्गन ऑक्सीजन डीकार्बोनाइजेशन। इसी यहाँ पे हम लोग कार्बन का परसेंटेज है उसको मेंटेन करके कम कार्बन परसेंटेज कर देते हैं। उसके बाद वो जो स्लैग बनता है उसको भी हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं, डी स्लैगिंग प्रोसेस बोलते हैं इसको। उसके बाद दोस्तों की जो मोल्टन मेटल रेडी हुआ डी स्लैगिंग के बाद उसको हम लोग लैडर फर्नेस के नहीं, उसको हम लोग कहाँ भेजेंगे, वीओडी वैक्यूम ऑक्सीजन डीकार्बोनाइजेशन। मतलब यहाँ पे हम लोग अलॉय का भी एडिशन कर सकते हैं और जहाँ पे भी और जो मिनिमम कार्बन परसेंटेज चाहिए उसका भी हम लोग यहाँ पे मेंटेन करते हैं और टेम्परेचर मेंटेन करते हैं वीओडी में। तो वीओडी के बाद हम लोग कहाँ भेज सकते हैं, कंटिन्यूस कास्टिंग में भेज सकते हैं या तो उसको इंगोट कास्टिंग में भेज सकते हैं। तो ये हुआ हमारा ट्रिप्लेक्स। और देखते हैं नॉर्मल कार्बन स्टील कैसे बनाते हैं, जिसमें कार्बन परसेंटेज नॉर्मल रहेगा मतलब 2-1% से ज़्यादा ही रहेगा। तो इसे हमें बनाने के लिए ये इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में हम लोग स्क्रैप चार्जिंग करते हैं, मोल्टन मेटल स्लैग करते हैं, उसके बाद डी स्लैगिंग करते हैं। डी स्लैगिंग करने के बाद डायरेक्ट हमें एओडी नहीं जाने का है, डायरेक्ट कहाँ जाने का है, लैडल फर्नेस। लैडल फर्नेस में हम जो एलॉय एडिशन करने का है वो अलॉय हमने एडिशनल डाल देते हैं, मैग्नीस हो गया, क्रोमियम हो गया, निकल, ऐसा हम लोग अलॉय का एडिशन कहाँ करते हैं, लैडल फर्नेस में, और डायरेक्ट कास्टिंग में भेजते हैं, कंटिन्यूस कास्टिंग में या तो इंगोट कास्टिंग में। अभी देखते हैं दोस्तों ऑल टाइप ऑफ कार्बन, मतलब हमें ऑल टाइप ऑफ ग्रेड मतलब जो कार्बन स्टील है उसको भी बनाना है या फिर और कोई दूसरा स्टील बनाना है उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करना है। या तो फिर हमें सिंपल ही बनाना है तो फिर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क में प्रोड्यूस करेंगे, डी स्लैगिंग करेंगे और इसको लैडल फर्नेस में भेजेंगे, लैडल फर्नेस से डायरेक्ट कास्टिंग में। तो ये जो ऑल टाइप ऑफ जो है ना, ये ओल्ड मेथड मतलब प्रीवियस जो नए मेथड आने के पहले जो मेथड था उसका यूज़ करेंगे हम लोग ऑल टाइप ऑफ कार्बन ऑल टाइप ऑफ ग्रेड बनाने के लिए। ये है जो इसी स्टेनलेस स्टील बनाने की स्पेशली है डुप्लेक्स प्रोसेस और ट्रिप्लेक्स प्रोसेस। तो दोस्तों मेरे को लग रहा है कि आप लोग को डुप्लेक्स प्रोसेस और ट्रिप्लेक्स प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा, इसलिए हम लोग एक बार और रिवीजन कर लेते हैं डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स में। डुप्लेक्स में हमें रेड लाइन देखना है और ट्रिप्लेक्स में हमें भूरा लाइन दिखने का है। तो डुप्लेक्स में पहले इलेक्ट्रिक आर्क डी स्लैगिंग, फिर आ जाएंगे एओडी, उसके बाद डी स्लैगिंग, फिर उसके बाद जाएंगे लैडल फर्नेस और कास्टिंग। इसी प्रकार देखते हैं कि ट्रिप्लेक्स प्रोसेस में ईएएफ डी स्लैगिंग है, एओडी डी स्लैगिंग, उसके बाद जाएंगे एओडी। यानी कि दोस्तों देखेंगे ट्रिप्लेक्स प्रोसेस में एओडी आएगा और ड्यूप्लेक्स प्रोसेस में क्या आएगा, लैडल फर्नेस। तो ये दो लैडल फर्नेस और एओडी को याद करके हम लोग डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स प्रोसेस में डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग मिलते रहें नए नए वीडियो के साथ इसी चैनल पे।
तो दोस्तों नए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।